आज का रेसिपी चना दाल के पायसा। चना दाल लिया है 250 ग्राम्स, वो भिगो के रखा हुआ है। और नारियल लिया है, वो भी 250 ग्राम्स लिया है। ये गोडम्बी और किशमिश है, और इसका साथ इलायची भी है, नमक भी है। वो सब जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। वो एक मतलब 25 ग्राम्स ले सकते हैं। और ये चाशनी है गुड़ की बनाया हुआ। अभी पहले हम लोग जो भिगा हुआ चना दाल को कुकर में डाल के तीन सीटी करवा देंगे। अभी देखिए, चना दाल को कुकर में डाल के तीन सीटी करेंगे हम लोग। जब दाल जब तक पकता है उस टाइम तक हम लोग नारियल को पीस के अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट नहीं बनाना है तो आपको उसका पेस्ट बनाने के बाद दूध भी निकल के पायसा बना सकते हैं, अदरवाइज़ उसको साथ में पूरा डाल के भी बना सकते हैं। अभी इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे हम लोग। अभी देखिए, नारियल हम लोग पीस के रखा है, इसको एक बाउल में रख देती हूँ निकल के। देखिए, चना दाल पक चुका है। अभी इधर मिल्क भी रेडी है, कोकोनट मिल्क भी रेडी है। देखिए, अभी चना दाल में मैंने गुड़ मिक्स किया। मिक्स करके इसमें एक बार उबल आने देते हैं, उसके बाद कोकोनट मिल्क हम लोग ऐड करेंगे। देखिए, ये एक पैन लिया है, उसमें आधा स्पून घी डाल के काजू और किशमिश को मैंने थोड़ा सा फ्राई करूँगी। देखिए, इसमें उबल आ गया। अभी मैं कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करूँगी। कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया। देखिए, काजू और किशमिश रोस्ट हो गया है। अभी गैस बंद करके इसको साइड में रखेंगे हम लोग। देखिए, पायसा रेडी हो गया। इसमें अभी थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी टेस्ट के लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इलायची पाउडर डालना है, जो आप उसके बाद जो फ्राई करके रखा है काजू और किशमिश वो सब डालूँगी। अभी देखिए, गैस बंद करूँगी। बंद करके इसको ढक के रखना है हमें। हमारा पायसा रेडी हो गया। देखिए, चना दाल का पायसा रेडी हो गया है। ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे और अच्छा रेसिपी के साथ आऊँगी। थैंक यू।